नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में 5 मार्च के हिस्ट्री के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों आज की 5 मार्च 1699 को महाराजा जय सिंह ने अकबर का सिंहासन संभाला था। दोस्तों आज की 5 मार्च 1793 को ऑस्ट्रेलिया के सैनिकों ने फ्रांस को हराकर उसके साम्राज्य पर फिर से कब्जा किया था। दोस्तों आज की 5 मार्च 1855 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। दोस्तों आज की 5 मार्च 1904 को निकोला टेस्ला ने बाल तड़ित की व्याख्या की थी। दोस्तों आज की 5 मार्च 1918 को सोवियत संघ ने पेट्रोग्राड को हटाकर मॉस्को को रूस की राजधानी बनाया था। दोस्तों आज की 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म किया था। दोस्तों आज की 5 मार्च 1949 को भारत में झारखंड पार्टी की स्थापना हुई थी। दोस्तों आज की 5 मार्च 1962 को कनाडा में आयकर नियमों में बदलाव किया गया था। दोस्तों आज की 5 मार्च 1982 को वेनेरा 14 नामक रूसी उपग्रह बुध की कक्षा में पहुंचा था। दोस्तों आज की 5 मार्च 1990 को सरकार ने 1984 के भोपाल गैस त्रासदी के 5 लाख पीड़ितों के लिए 360 करोड़ रुपए की राहत की घोषणा की थी। दोस्तों आज के दिन 5 मार्च 1997 को उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच 25 साल में पहली बार शांति वार्ता हुई थी। दोस्तों आज के दिन 5 मार्च 2001 को मक्का मदीना में हुई ईद के दौरान भगदड़ में लगभग 40 यात्री मारे गए थे। दोस्तों आज के दिन 5 मार्च 2002 को राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था। दोस्तों आज के दिन 5 मार्च 2008 को भारत ने समुद्र से सतह पर हमला करने वाले ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। दोस्तों आज के दिन 5 मार्च 1968 को मार्टिन लूथर किंग की हत्या हुई थी। दोस्तों आज के दिन 5 मार्च 1983 को ऑस्ट्रेलिया में लेबर पार्टी के नेता बॉब हॉग प्रधानमंत्री बने थे। दोस्तों आज के दिन 1997 को भारत तथा 13 अन्य देशों ने इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के गठन की घोषणा की थी। दोस्तों आज के दिन 5 मार्च 2006 को पाकिस्तान में अलकायदा और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 100 लोग मारे गए थे। दोस्तों आज के दिन 5 मार्च 2008 को महाराष्ट्र के राज्यपाल SM कृष्ण ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।